Hello everyone, welcome back and let us continue our chapter accent neutralization. Accent neutralization में हमने सारी sounds सीखी, consonant sounds, vowel sounds और वे कैसे हम words को pronounce कर सकते हैं. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक अपनी pronunciation dictionary maintain करें या words ऐसे जिनके साथ हम उनका pronunciation भी लिख पाएं. जैसे आप उनको प्रोनाउंस करेंगे, इट्स द वे आप जिस तरह उसको समझ सकते हैं. आप अगर उसको हिंदी में लिख के समझ सकते हैं उसको हिंदी में लिखिए, या मैंने जिस तरह आपको यहाँ साउंड्स के साथ बताया आप उस तरह लिख सकते हैं. जिस भी तरह आप उस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करें आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं. मेरे पास यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा रेगुलर यूज में भी हैं और आप उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए. चलिए साथ में इन वर्ड्स को बोलते हैं और देखते हैं कि कहाँ इन प्रोनाउंसिएशन को हम समझ सकते हैं. एब्सोल्यूटली ना एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली ना इट्स नॉट एब्सोल्यूटली इट्स एब्सोल्यूटली राइट. उसके बाद अकाउंट अकाउंट इज अकाउंट अकाउंट इज अकाउंट अकाउंट नहीं होता इट्स अकाउंट अकाउंट. देन अलाओ इज अलाओ अलाओ राइट. देन बोल जिसका प्रोनाउंसिएशन 90% लोग गलत करते हैं, ये ऐसा वर्ड है, इसको लोग बाउल बोलते हैं राइट या कुछ भी उनका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, बट इसको हम बोल बोलते हैं जैसे कि हम गोल बोलते हैं राइट. अब आता है वर्ड ब्रेकफास्ट. इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट इट्स ब्रेकफास्ट राइट. यू क्विकली स्पीक दैट वर्ड ब्रेकफास्ट. देन यू हैव जिसको हम कैसेट बोलते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कैसेट इट्स कैसेट. फिर आता है कम्युनिकेट. इसको ब्रेक कीजिए वर्ड को, यही होता है सिलेबल स्ट्रेस. आप कहां पर ब्रेक करते हैं दैट इज सिलेबल स्ट्रेस, कहां देना है वो, कहीं पर आपको थोड़ा स्ट्रेस देके बोलना है, कहीं पर आपको कम स्ट्रेस देकर बोलना है. कम्युनिकेट ना कम्युनिकेट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन कम म्यू नी के. देन डाटा नहीं होता इट्स डेटा इट्स डेटा. देन डिटेल डिटेल में सिंगल ई है पर साउंड वुड बी फॉर डबल ई दिस इलोंगेटेड साउंड डिटेल. नाउ एको एको. देन इकोनॉमिक्स ई नो मिक्स. सो इट्स लाइक ब्रेक द वर्ड और उसको आप कैसे सही से बोल सकते हैं. फिर आते हैं फैंटास्टिक फैंटास्टिक. प्रोनाउंसिएशन को ब्रेक कीजिए उस वर्ड को और फिर उसको करेक्टली प्रोनाउंस कीजिए फैंटास्टिक. देन होस्टल नहीं होता इट्स हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल. होटल नहीं होटल नहीं होता इट्स होटल राइट. सो उन वर्ड्स का भी हम बहुत डेली यूज कर में आते हैं ये वाले वर्ड्स. अब जैसे आइडिया सो आई डी आइडिया. देन ज्वेल इसको ज्वेल बोलते हैं लोग इट्स ज्वेल ज्वेलरी. इफ एल ई आर वाई इज एडेड इट्स ज्वेलरी. ज्वेलरी नहीं होता ज्वेल नहीं होता इट्स ज्वेलरी. देन मेन्यू मेन्यू. Necessary, occurred, occurred. Police, now police is stretched sound, ICE, is stretched sound, it's ease, police. Then question नहीं होता, it's question, question. Then realize, realize. स्यू नहीं होता सो होता है. स्यू इज प्रोनाउंस्ड एज सो. टेक्नोलॉजी नाउ टेक्नोलॉजी. आप जिस भी वर्ड में एल ओ जी वाई एंड में देखें उसको लिजी प्रोनाउंस करा जाता है टेक्नोलॉजी.
Then vacate, vacate, vacate. Then Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday नहीं होता, it's Wednesday. Wednesday. Then ear, ear में एक y है, but आपका sound थोड़ा सा elongate होगा वहां पे, ear. Then comes zero. Z again is elongated sound यहां पर, z and rho. इसके अलावा एक वर्ड बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत गलत बोला जाता है, वो है डिवेलपमेंट. 98% लोग गलत बोलते हैं इसको, डेवलपमेंट बोलते हैं, जबकि ये वर्ड है डिवेलपमेंट. इट्स डिवेलपमेंट, इट्स नॉट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स डिवेलपमेंट, राइट. सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ. इस तरह आप अगर अपनी डिक्शनरी बढ़ाते जाएंगे, उसमें वर्ड्स ऐड करते जाएंगे, आपकी बुक में भी इन वर्ड्स के अलावा कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं प्रोनंसिएशन डिक्शनरी के नाम से, आप उसमें भी कुछ वर्ड्स चेक कर सकते हैं, उसको भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और इन वर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब आप अपने मेंटर की हेल्प से अपनी क्लास में आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके साथ अगर इनमें कोई इश्यू आता है, स, श, ज या और भी किसी साउंड में, प बोलने में अगर कोई इशू है, तो आपके फैसिलिटेटर फाइंड आउट करेंगे कि आपको कौन सा इशू है. उसके बाद पूरी क्लास में आप एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. आप अपने टीम्स में डिवाइड हो जाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी टीम में से एक किसी को सेलेक्ट कीजिए जो कि उस टंग ट्विस्टर को, जैसे मैंने आपको सी शेल्स वाला बताया या इट्स अ प्लेजर वाला बताया, उन दोनों टंग ट्विस्टर्स में से जो भी आप टंग ट्विस्टर लें और उसको कितनी जल्दी आप बोल सकते हैं. एक एक टंग ट्विस्टर लीजिए और अपनी टीम्स बना लीजिए. उन टीम्स में जो सबसे ज्यादा और सबसे सही उसको बोलेगा. अगर कोई गलत करता है, दैट पर्सन विल बी आउट ऑफ द गेम, वो आउट हो जाएंगे, उनकी टीम आउट हो जाएगी. तो आप टीम में, आप डिपेंड करता है आप क्लास में कितने लोग हैं, आप तीन या चार लोगों की भी टीम बना सकते हैं. एक अपना रिप्रेजेंटेटिव लीजिए जो कि बहुत परफेक्टली बोलता हो, उसको पहले प्रैक्टिस कराइए और 5-7 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद क्लास में सबके सामने उसको बोलिए. जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा बार आप उसको बोलेंगे, जितनी करेक्टली उसको बोलेंगे, यू विल बी द विनर. तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन. थैंक यू.